हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप नए नए यूट्यूबर हैं, आपका चैनल नया है, यूट्यूब पे आप नए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपके चैनल पे पूरा नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं यूट्यूब की तरफ से, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, ये सब मैंने पूरा कर लिया है। और अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, इसको पूरा करने का, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया, कोई भी सब्सक्राइबर मैंने खरीदे नहीं है, कुछ नहीं, कहीं भी कोई एडवर्टाइज नहीं किया, सिंपली किया हूँ। तो कैसे किया सब मैं आपको पूरा बताऊँगा। आपको पता होगा कि यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन एनेबल होने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। ये क्यों चाहिए होता है? क्योंकि अगर आपका मोनेटाइजेशन एनेबल होता है, तभी आपके चैनल पे एड्स आते हैं और तभी से आपकी अर्निंग्स स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी यूट्यूबर होता है, सबसे बेसिक चीज़ यही होती है। यूट्यूब पे लोग क्यों आते हैं? अर्निंग्स के लिए, अपनी हॉबीज़ पूरी करने के लिए। तो अर्निंग्स की बात करें तो ये दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए, तभी आप अपने चैनल पर अर्न कर सकते हैं। तो मैंने ये सब पूरी करी। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, तब मैं केवल जॉब प्रिपरेशन की वीडियो डालता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराता था। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कंटेंट था, पढ़ना पड़ता था, लेकिन आइडिया क्लियर था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी कौन सी आने वाली है। मतलब कंसिस्टेंसी थी, मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालता था, क्वेश्चन प्रिपेयर करता था, थोड़ा स्मार्ट वर्क करता था और डेली बेसिस पे वीडियो डालता था। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका यही है कि आप अगर चैनल पे नए हैं, यूट्यूब नया स्टार्ट किया है किसी भी टॉपिक पे लेके, तो उस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, और वीडियो डेली बेसिस पे आप डालिए। ये नहीं कि कुछ ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो ही नहीं मिल रही है, दो दिन आप सोचने में लगा दे रहे हैं, दो दिन कंटेंट आपका तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग में आपको डेली बेसिस पे वीडियो डालनी पड़ेगी, 10 से 20 दिनों तक, एक महीनों तक आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा यार 10 व्यू 5 व्यू ऐसे ही आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे, धीरे धीरे अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो डालते हैं ना, तो आपके सब्सक्राइबर और व्यूज़ दोनों आएंगे। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, मैं वीडियो बनाता था, तो स्टार्टिंग में एक डेढ़ महीने तक कुछ नहीं आ रहा था, व्यूज़ नहीं आ रहा था, सब्सक्राइबर ही नहीं आ रहे थे। दो दिन में, पाँच दिन में एक दो सब्सक्राइबर मिल रहे थे। तो थोड़ा मैंने अपना सोशल मीडिया का यूज़ किया, फिर उसके बाद डेली बेसिस पे वीडियो डालता था, और धीरे धीरे मेरे चैनल पे व्यूज़ बढ़ने लगे, और कुछ मेरी वीडियो ऐसी थी जो रैंक कर गई और उसने मुझे सब्सक्राइबर ला के दिया। आप देख रहे होंगे कि वीडियोज़ पे व्यू भी मेरे आते हैं, और ये सब चीज़ें मैंने पूरी भी करी हैं। कोई भी प्रमोशन नहीं किया था, कोई सब्सक्राइबर मैंने खरीदे नहीं थे। तो डेली बेसिस पे वीडियो डालने पे क्या हुआ कि जो मेरे सब्सक्राइबर थे मुझसे अटैच हुए, और वीडियो अच्छी क्वालिटी की थोड़ी थी, जॉब की थी, प्रिपरेशन की थी, और डेली बेसिस पे मिलती थी। तो इस तरह से कुछ वीडियो मेरी रैंक करी और मुझे व्यू ला के दी, सब्सक्राइबर ला के दी, और अभी तक मेरे चैनल पे ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी आते रहते हैं। तो दोस्तों, इसका बस एक ही प्लस पॉइंट है कि आप केवल और केवल वीडियो डेली डालिए, आप कंटेंट तैयार रखिए, आपके पास व्यूज़ भी आएंगे और सब्सक्राइबर भी आएंगे, और कहीं भी कोई भी पेड प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ आपको पैसे देकर खरीदने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हो तो। तो ये सब चीज़ें मैंने पूरी कर ली हैं, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और भी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी है यूट्यूब के लेके, तो ये सब सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो अभी तो ये थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्त लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।